कल एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना अशोक नगर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति रवि ठाकुर जो कि नंदा नगर के रहने वाले हैं और एक महिला सरिता ठाकुर जो अशोक नगर की रहने वाली है, इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल पर पहुंच के वहाँ FSL टीम के माध्यम से साक्ष्य का कलेक्शन किया और वहाँ जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की, CCTV फुटेज दिखवाए और जो भी संदेही है उनको पुलिस ने उठाया। इसके बाद ये पूरा इंटरोगेशन किया, पुलिस ने जो भी साइंटिफिक एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए, जिसके आधार पर ये पाया गया कि इसमें जो आरोपी हैं वो दो लोग हैं। एक है ममता पवार, इनके पति का नाम नितिन पवार है और ये देवकी नगर खजराना के रहने वाले हैं, और दूसरा इनके हस्बैंड नितिन पवार, इनके पिता का नाम लाला राम पवार है और ये भी खजराना देवकी नगर में रहते हैं। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो मृतक है ये शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे हैं, उसके बावजूद इसके कई महिलाओं से अवैध संबंध होने के बारे में जानकारी मिली, और जिसमें एक आरोपिया भी थी। और ये जो मृतिका है इसके माध्यम से जो मृतक है रवि ठाकुर, इसकी पहचान आरोपिया से हुई, इसने आरोपिया से पहचान कराई, और जिसके बाद इनके बीच में इलीगल रिलेशंस भी हुए, और जिसके बाद में ये इनका इनके हस्बैंड को इस बात का पता लगा तो इनके घर में भी इस बात को लेकर के तनाव हुआ, कलेश हुआ, और जिसके बाद में ये जो आरोपी है वो उसको मिलने के लिए बुलाता था और उसको वीडियो के नाम पर और जो भी उसके पास सामग्री थी उसके नाम पर वो उसको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था। नितिन ब्लैकमेल कर रहा आरोपी जो रवि, मृतक है रवि ठाकुर, वो ब्लैक आपने आरोपी मृतक मतलब ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपिया है उनको। तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके, कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, जिसके तहत ये लोग अपने घर से दिन के करीब 12 बजे के आसपास ये लोग निकले हैं। एक पल्सर बाइक इन्होंने ली है शुरू में, उसके बाद वाहन भी इन्होंने चेंज किए हैं, और इसके बाद ये चूंकि ये दोनों परिचित थे, जो मृतिका है सरिता उसके दोनों परिचित थे, उसके बाद ये गए हैं घर पे, और सबसे पहले इन्हें इनको रवि को जो ठाकुर है उसको इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन इनका कार्यक्रम था कि रवि मिलेगा उस सरिता के घर पे। तो जिसके बाद ऐसा हुआ कि ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद सबसे पहले जो ममता है और इसके हस्बैंड है, इसके द्वारा सबसे पहले सरिता की हत्या की गई, और जिसके बाद में फिर जब वहाँ पर आरोपी मृतक रवि ठाकुर आया तो इन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो संबंध बनाने के नाम पर उसको निवस्त्र किया, और उसके बाद में उसका पति जो है वो छुपा हुआ था घर में, और उसके बाद उसके पति और ये ममता दोनों ने मिलके रवि की भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त आला जरब तलवार चाकू वगैरह हैं उनको जब्त किया है, और इसके अलावा भी जो भी इनके द्वारा कुछ साक्ष्य नष्ट भी किए गए हैं, ऐसी जानकारी में आया है कि इनके द्वारा कपड़े जो पहने गए थे और भी चीज़ों को इनको इनके द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई है, जी तो उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है, और दोनों आरोपी वर्तमान में पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिए हैं। और इस प्रकार से हमने करीब 12 घंटे के अंदर ही एक डबल मर्डर का, जो हमारे क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण था, उसका खुलासा ये दो ही आरोपी हैं, किया। दो ही प्रमुख कितना आरोप पैसा थे। दे चुकी थी ममता रवि को? नहीं, पैसा नहीं था बेसिकली, वो मिलने के लिए मैंने बोला था आपको कि फोर्स करता था, और चूंकि इस तरह का ये दिलफेक टाइप का व्यक्ति था तो ये इस प्रकार से उससे रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन उसके हस्बैंड को मालूम पड़ गया था, जिसके कारण से वो नहीं चाहती थी कि रिलेशन कंटिन्यू हो। महिला को क्या माना था? महिला को क्या माना था? इन सभी की एज कितनी है, चारों की, जो मरने वाले और जो मारने वाले? ये 38 वर्ष की है सरिता, और ये जो 45 साल का जो है, ये जो मृतक रवि है ठाकुर, इसकी उम्र 45 साल। महिला को क्यों मारा? ये कहीं ना कहीं इसको ममता को ये लगता था कि जो संपर्क में आई है ये रवि ठाकुर के,
ये इसी के थ्रू सरिता के थ्रू ही संपर्क में आई है। सरिता भी इसको बोलती थी इससे मिलने के लिए, और जो इसमें आरोपिया है उसको इस बात का पूरा यकीन था कि इसी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके उसको इस पूरे मामले में फंसाया गया। सरिता शादीशुदा है? सरिता शादीशुदा है, उसके दो बच्चे भी हैं। सर आवेद पति उसका ऋषि ठाकुर है, सरिता ठाकुर का पति, और हाँ साथ ही रहते हैं। सर आवेद इसमें वीडियो का जिक्र किया कि वीडियो इसने साक्ष्य नष्ट किए हैं, जो घटनाक्रम में जो दोनों मृतक हैं उनके मोबाइल घटनास्थल पर नहीं मिले हैं, और ये साक्ष्य नष्ट करने की भी जानकारी मिली है पुलिस को। तो पुलिस कोशिश कर रही है, जो भी हमारे पास एविडेंस आते हैं उसके आधार पर हम मैक्सिमम एविडेंस को जब्त करके और प्रभाव रूपी से इसमें हम आरोपियों को सजा दिलाते हैं। इसमें क्या सरिता जो थी वो ममता को वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल करती थी? और सरिता ये नहीं नहीं ब्लैकमेलिंग का जो हुआ है, जो मिलने के लिए बुलाता था वो बेसिकली रवि ठाकुर ही था, और सरिता भी उसमें अकम्प्लिस थी, वो भी वो उसके ऊपर दबाव डालती थी मिलने के लिए। तो इस तरह से इन दोनों की भूमिका इस घटनाक्रम में रही है। निश्चित रूप से आरोपी को सबसे पहले तो फ़ोन किया गया था, जो आरोपिया है उसने सरिता को फ़ोन किया था, मोबाइल कॉल किया था, जिसके बाद ये लोग इनका मिलने का प्रोग्राम था। पहले से भी इनका तय था कि हमको मिलना है इतनी तारीख को, और मिलने से पहले भी फ़ोन किया था, और पूरे योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने पूरा तारीख के लिए इन्होंने एक बार प्रयास किया था, लेकिन तो वो किसी कारण से फेल हो गया। तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों ने दोनों मेन आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है, और जो भी एविडेंस है हम उसको कलेक्ट करेंगे। और साइंटिफिक नितिन मार्केटिंग का काम करता है, मार्केटिंग का काम करता है, और नितिन की एज करीब 35 साल के आसपास एक्सपेक्टेड है। सर इसमें 1.5 लाख सर नहीं अभी तक जो भी हमारे पास एविडेंस आए उसके आधार पर मैंने बता दिया है, आगे चल के अगर कोई और एविडेंस आता है तो हम उसको भी देखेंगे। लगभग साल भर से ज़्यादा समय हो गया है जब से इनके बीच का संपर्क शुरू हुआ, और 5-6 साल से लगभग ये सरिता और ये रवि ठाकुर एक दूसरे को परिचित थे। ये होटल, इसके होटल है सरवटे बस स्टैंड पर, ये होटल का इसका बिजनेस है, उसका संचालक है।